एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं डेली ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ और किसी की वीडियो भी नहीं देख पा रही हूँ। और जो मेरे अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं शुरू से लेकर अब तक, जो मेरा साथ देते आए हैं, जिनकी वजह से चैनल यहाँ तक पहुँचा है, मोनेटाइज हुआ है और अभी तक यहाँ तक चल रहा है, वो फ्रेंड्स बिना स्वार्थ के, बिना किसी उसके जो है कि ये हमारी वीडियो पे नहीं आ रही तो हम भी ना जाएं, मतलब ये सोचे बिना मेरी वीडियो वॉच करते हैं। और चाहे मैं उनकी वीडियो पे जाऊं या ना जाऊं, और सच बताऊं तो मैं काफ़ी टाइम से ना, जब से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी तब से ही लगा लो कि मैं यूट्यूब को पूरे 24 घंटे में से मुश्किल से मैं एक घंटा दे पाती हूँ यूट्यूब पे, तो टाइम नहीं लगता है। फिर ये शिफ्टिंग का हुआ, रूम देखना, शिफ्ट होना, न्यू जगह पे न्यू एडमिशन वगैरह ना, तो इस वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और मैं बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं दे पाई यूट्यूब पे। और ये होता है ना कि जब हम इस चीज़ में हैं तो फिर होता है कभी ना कभी जब भी टाइम मिले कुछ ना कुछ वीडियो डालनी है, बस डाल देती हूँ मैं, उसके बाद देखती भी नहीं हूँ। बस थोड़ा सा जब टाइम मिले तो मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ और बहुत कम लोगों का रिप्लाई कर पाती हूँ, लेकिन देखती हूँ मैं तो जितने भी, बहुत कम लोगों की वीडियो देख पाती हूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी से देखती हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं तो मैं चलते ही कमेंट कर दिया और वहाँ से चल दिए, तो ऐसा नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ आप लोगों की वीडियो, और नहीं मिलता तो कई दिन बाद जब मैं आपका कमेंट लाइक करती हूँ तो तब ही मैं आप लोगों की वीडियो पर देख पाती हूँ। और जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे मंडे से, और थोड़ा जो मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है ना ये भी ठीक हो जाए, तो मैं फिर से वीडियो की शुरुआत करूँगी अच्छी तरह से, और शायद मैं यूट्यूब पे ध्यान दे पाऊँगी। हाँ, और पीहू कह रही है नहीं दे पाऊँगी, देखती हूँ ध्यान दे पाती हूँ नहीं, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है जितना बेटा आपकी पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूट्यूब से बेटा आप नहीं पढ़ती, लेकिन ध्यान तो मुझे देना पड़ता ना आप लोगों की। मैं एक दिन आपको इग्नोर करूं ना, आपको बोलूं पढ़ने के लिए तो मतलब ही नहीं। आप पढ़ना तो दूर की बात, लेकिन आप उस दिन अपनी बुक्स वगैरह भी नहीं निकालोगी, है ना। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, ब्लॉग बन भी नहीं पा रहे हैं और काफ़ी ऐसे ही हो रहा। और जब से हम शिफ्ट हुए तब से मैं रूटीन क्या दिखाऊँ आपको, मतलब तब से लेकर के आज ही मैं घर में रही, मतलब जिस दिन शिफ्ट हुए उस दिन के बाद मैं आज ही अपने घर में रही यहाँ, नहीं तो भागा दौड़ी डेली डेली मार्केट, कभी कुछ लाओ कभी कुछ लाओ, बस ऐसे ही हो रहा था। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और गाइज यहाँ पे मॉर्निंग का है मेरा, ये आज है 8 अप्रैल और मॉर्निंग का ब्लॉग है ये। तो मैंने अंदर रूम में तो लगा लिया था, दोनों में पहुंचा, और ये बाहर वाला रूम है, तो मैं यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आ गई थी, तब जाके मैंने बोला गौरव को थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए। पहले तक मुझे नहीं था, मैं कुछ और ब्लॉग बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर आना था मासी ने, तो मैंने कहा नहीं बन पाएगा और ब्लॉग, तो यहीं से मैं स्टार्ट कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा पोछा लग गया था, तो लास्ट में ही यहाँ पे रह गया था थोड़ा सा, तो यहीं पे मैंने शूट कर लिया। और आजकल मतलब काम तो पूरे ही होते हैं, साफ़ सफाई का, खाना बनाना, जो भी होते हैं ना डेली का काम तो पूरा होता है, लेकिन ब्लॉग बनाने का होता ही नहीं, क्योंकि इतने बिजी रहते हैं कि ध्यान भी नहीं रहता है ब्लॉग बनाने का। गाइज यहाँ पे मैं मॉर्निंग में ही लग गई थी आज, ये खिड़की वगैरह साफ़ करने में, किचन की, रूम की, अभी एक रूम की रह गई है, क्योंकि जिस दिन हम आए थे ना उस दिन मतलब अच्छे से सफाई नहीं हो पाई, बस मोटा मोटा हुआ, क्योंकि ये होता है ना कि सामान लगाना ज़रूरी होता है, और मैंने सोचा कि एक बार सामान लग जाए तो ये सफाई वगैरह जो है धीरे धीरे करती रहूँगी मैं। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं घर, एकदम क्लीन है, तो फिर भी थोड़ा बहुत ना धूल वगैरह रहती है शीशों पे, खिड़कियों पे, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम लग रहा, अब जाके मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि स्कूल का सामान लेना एकदम फाइनल हो गया है। और यहाँ पे देखिए मम्मी आई थी हरिद्वार से, और मम्मी के पाँव में दर्द होता है ना, तो
तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मम्मी को मिलने के लिए मासी चली आई। और यहाँ पे मासी और छोटे भैया, मासी के बेटे, वो बैठे हुए हैं। और ये मेरी छोटी बहन जो कि मम्मी को लेके आई है हरिद्वार से। तो सबके सब बैठे हुए थे और हम लोग बातें कर रहे थे। तो बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट की। और यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में मेरी बहन ने मम्मी की शुगर टेस्ट करवाया था, मतलब, और उसकी रिपोर्ट इवनिंग को मैं लेके आई थी। मम्मी तो मासी के घर चली गई थी और बहन भी चली गई थी हरिद्वार, तो मैं रिपोर्ट लेके आई थी और कुछ सामान भी लेके आए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे चाय पी रही थी और मम्मी की रिपोर्ट देख रही थी। और फिर मैंने मम्मी को कॉल लगाया, मम्मी से बात तो नहीं हुई लेकिन छोटे भैया से हुई, मासी के बेटे से। तो मैंने कहा मम्मी को बता देना कि शुगर नहीं है, नॉर्मल है रिपोर्ट। तो मम्मी ने गांव में करवाया था और 6-7 महीने से परहेज कर रही थी कि मुझे शुगर है करके। पता नहीं कैसा टेस्ट करवाया, वहाँ डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें शुगर है। और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन बहन ने कहा कि नहीं, हमें एक बार फिर से करवाना चाहिए। और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया। वैसे भी हमारे पहाड़ों के लोगों को जो है ना, बहुत बहुत ज़्यादा कम लोगों, मतलब बहुत कम लोगों को शुगर जैसी बीमारियां होती है, क्योंकि बहुत कठिन परिश्रम करते हैं गांव के लोग, बहुत मेहनत करते हैं, तो शुगर होने का तो मतलब ही नहीं है। तो इसलिए दोबारा से उसने करवाया और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। तो मेडिसिन वगैरह तो नहीं लेती थी मम्मी, लेकिन जो भी परहेज होता है ना शुगर का, तो सारा परहेज करती थी। तो आज से मैंने कहा परहेज बंद, तो बिना बीमारी का जो है मम्मी परहेज कर रही थी। बीमारी तो है नहीं फिर भी परहेज कर रही थी। तो इसलिए मैंने फिर कॉल किया, बहन को भी बताया कि नहीं है, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। और कल डॉक्टर को लेके गई थी मम्मी को, तो वहाँ से भी नसों का प्रॉब्लम है ना पाँव में, इसलिए दर्द होता है। तो वहाँ से दवाई लेके आई और कल सैटरडे को आ जाएगी मासी के घर से, और संडे को मम्मी को गाँव भेज देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही है, मुझे जाना है। तो अच्छे से मैंने कहा अब 10 दिन की दवाई ली, बोला वही ले लूँगी मैं पर्ची से, डॉक्टर की जो दवाई है ना, अगर फ़र्क होगा तो मैं वहीं ले लूँगी श्रीनगर से। तो इसलिए मम्मी की जिद है कि मैं जा ही रही हूँ गाँव। तो चलिए देखती हूँ कल कब तक आती है मासी के घर से, उसके बाद परसों मम्मी को गाँव भेज देंगे। तो आज की वीडियो इतनी थी गाइस।